ट्रेवल गाना लगता है कि ये ट्रेवल का गाना है, फॉर माई लाइफ आई वॉन्टेड मेक वन, ये ऐसा है। एक पुराना कवाली है अमीर खुसरो साहब का, बहुत लोगों ने गाया है, तो आई जस्ट पेस्ट इट अप अ लिटिल बिट एंड आज के यू नो जनरेशन के लिए, तो मेरी लिटिल यू नो आज के साउंड के साथ आई टुक टाइम टू अंडरस्टैंड इट, तो गाने में भी बहुत मजा आया जिस लय में हमने तय किया था टेम्पो। एंड देन देयर इज अ सॉन्ग व्हिच इज अबाउट वन अकॉर्डियन वन मैंडोलिन एंड मी, इज अ वेरी सिंपल सॉन्ग। मैं अभी आइफा के लिए गया था मड्रिड स्पेन, तो वहाँ पे काफ़ी सुन के इंस्पायर्ड हुआ अकॉर्डियन, और मेरे पिताजी के बैंड में अकॉर्डियन होता था, तो सब मिला जुल के लाइक यू नो आई मेड दिस सॉन्ग। तो फोर सॉन्ग्स देयर बेसिकली। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा फिलहाल? फिलहाल ये सावन पे होगा 2 महीने के लिए, एंड देन उसके बाद हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा, बट आजकल सब डिजिटल ही है क्योंकि सीडी तो है ही नहीं, अब टेप तो कब का चला गया, तो सब डिजिटल ही होता है आजकल। से आप कुछ पूछ रहे थे ना सर से? जी सर, इसके अलावा आपको कैसे आइडिया आया, मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिला ये एल्बम बनाने के लिए, कुछ बताना चाहेंगे इसके पीछे की क्या स्टोरी? मैं बनाता है बहुत दिनों से मैं बना रहा था, ये मुझे आई थिंक इट टुक मी 3 ईयर्स, और 3 साल में आई बीन ट्रैवलिंग, तो मैं इंस्पायर्ड था, मुझे ये देखना था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काफ़ी टाइम लिया, और अपने बाकी शोज़ के बीच में बॉलीवुड सॉन्ग्स के बीच में टाइम निकाल निकाल के जब भी मौका मिलता है अपना गाना बनाने में अच्छा लगता है। पूरे देश भर में इतने म्यूजिशंस हैं, तो हमें मुझे भी लगता है कि यू नो एक म्यूज़िक का भी सिर्फ इंडस्ट्री हो जो सिर्फ म्यूज़िक बनाइए, नहीं कि सिर्फ फिल्म के लिए ही हो, वैसे भी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री हो जो बाहर देश में देखा जाता है। सो एल्बम बनाते हैं, इंडिपेंडेंट खुद का म्यूज़िक बनाते हैं, तो वो पहले से मैं था भी ऐसा, तो बहुत दिनों बाद किया, सब लोगों ने इंस्पायर किया कि बहुत अच्छा हो रहा है करो। म्यूजिशियंस फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एवरी वन हैज़ कम इन हेल्प मी, इनको इनकरेज मी, सो करते करते यहाँ पहुँच। इसके अलावा आजकल सिंगल का दौर चल पड़ा है, तो मतलब जो जूने गाने हैं उन्हें रिन्यू करके पेश किया जा रहा है, तो ऐसा कोई गाना जहन में है जो आप प्रेजेंट करना चाहें? एक्चुअली इस एल्बम में वो मतलब ज़रूरी नहीं है वो करना है, वो बीच में चला था बहुत, बट अभी ज़रूरी नहीं, बट मैंने एक गाना किया है जो एक कवाली है, वही मैंने बोला अमीर खुसरो साहब का पुराना कवाली है, और उसको मैंने थोड़ा सा जैज एंड पॉप स्पेस में लाया, और मुझे गाने में बहुत मज़ा आता है उस तरह का गायकी, और मॉडर्न जनरेशन के लोगों के साथ लाना चाहता था सामने, सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस। दो लाइनें अगर गाइस, लास्ट था लास्ट थिंग बिकॉज़ आई लव टेकिंग सर। क्या क्या गुनगुनाना है? एनी ऑफ योर कंपोजिशन ऑफ दिस एल्बम व्हिच यू वुड लाइक टू प्रेजेंट अ गिव अ हाईलाइट अ पीक स्नीक पीक? अब मुश्किल है, अब कौन सा गाना दूँ भी मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ हाँ गजल गजल सुनना चाहते हैं। अच्छा फिर मैं wish him all the way, so I wish him all the best, and you know may his album be successful. Thank you very much, gentlemen. Oh, he's worked with on a couple of jingles that we did a couple of months ago, and that was really beautiful. He's a lovely human being. I love his music. So wish him all the best. Thank you. चला था मैंने उसको उस time Coke Studio पे पेश किया था, and बहुत interesting voice था, और मुझे क्लियरली याद था, मैंने मेरे वाइफ को कहा था कि बॉलीवुड का नेक्स्ट वॉइस जो है ये कोक स्टूडियो से आएगा, एंड आई एम सो हैप्पी कि पैपॉन है, ही इज बिकम द वॉइस ऑफ बॉलीवुड, एंड आई ऑलवेज विश हिम द बेस्ट। इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, पहले पहले आर्टिस्ट है, ही इज अ लवली सिंगर, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बींग, एंड इज आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कौन एक ऐसा सिंगर है जिसकी उसकी वॉइस जो है हम लोग सच्ची बोलते हैं कि हटके वॉइस है, ही इज रियली गॉट दैट काइंड ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस में जो आत्मा है जो सोल है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी थिंग दैट आई हर्ड, एंड वो जहाँ से आता है उनकी जो ट्रेनिंग है वो क्लासिकल भी सीखा है और मॉडर्न म्यूजिक भी कर चुका है मिडिवल पंडित्स के साथ और जो भी वो बॉलीवुड में गाता है, तो इसलिए उसकी म्यूजिक एल्बम मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि डिफरेंट एल्बम होगी और सुनने में मजा आएगी। अच्छा, कुछ ब्रीफिंग नहीं, मुझे सिर्फ कहा कि आप आ सकते हो, मैं कहा कि आई एम डेफिनेटली कमिंग, आई विल नॉट मिस दिस फॉर एनीथिंग। Well, actually, no. I'm just here for Papon, and I'd like to wish him best of luck for his album. Okay. Hi. I look forward to many more albums from him, and of course, I will always be cheering and listening to him. And,
आप तो आपका काफी लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से, अब हम आपको कहाँ सुन पाएंगे या दिख पाएंगे? मेरा काम चलता रहता है, जैसा कि आपको पता है आजकल का माहौल ऐसा है जिसमें ज्यादातर डिजिटल स्पेस में ही जो भी रिलीजेस हो रही हैं वो हैं, और वो हमारी भी डिजिटल रिलीजेस ही चलती हैं। बल्कि 2003 से हमने ये कोशिश की है कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और पॉपुलर म्यूजिक के जो भी हमारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्शंस हैं वो डिजिटल मीडिया पर ही डालें। थैंक यू सो मच मैडम। एक स्मॉल बाइट आपका यहाँ पर जी। बस बस आपको सामने देखना है मैं कीजिए, और धीरे धीरे करते करते लेफ्ट में जाइए, आंखें हिलाइए सिर्फ। हो गया चांस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Do you know Varav? No, yeah. Hi. Varav. Hi. Thanks for coming, sir. Photos and all. Thank you so much. Not at all. We meet in a while. Looking forward to it. किसकी वाइफ लेनी है आपने? मैडम क्या यार ये धोखा। मैं जो I'm very happy to change the mood. It's very new for me. तूने मैं मुझे मिस किया। वाह अभी लास्ट पिछले हाय गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सर कैसे एवरीवन वाज सो एंग्शियस टू स्पीक टू यू रियली यस 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 अच्छा आई लव पेपन आई थिंक ही इज सच अमेजिंग आर्टिस्ट। हमारे देश में ऐसे आर्टिस्ट जो है ना वो उस लेवल के जो मैं पपॉन के बारे क्या बोलूंगी, पपॉन चाहे इंडिया में परफॉर्म करे या कहीं भी दुनिया में परफॉर्म करे, चाहे उनको अपने लोग देख रहे हो या गोरे देख रहे हो जो भी देख रहा है, एवरीबॉडी विल हैव अ गुड टाइम। सब लोग एकदम प्यार से सुनेंगे क्योंकि एक तो उनकी आवाज इतनी सुपर्ब है, दूसरा पपॉन इज वेरी वेरी टैलेंटेड, तीसरा हिज म्यूजिक हिज म्यूजिशियंस। मेरा जो फेवरेट गाना है उसने गाया था कोक स्टूडियो में कुमार, एंड उस दिन से मैं तो उसकी फैन बन गई हूँ। तो कभी कभी 6 बजे उठ के मैं उसको फोन करती हूँ, भाई दो लाइन सुना दे, तो मजा आता है। इज अमेजिंग, काश हम आते फोन जैसे और लोगों। यू आर आल्सो गोइंग टू लाइक परफॉर्म एंड आई हर्ड सम न्यूज़ अबाउट यू कि लाइक आप कुछ फिल्म के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नया कुछ कर रहे हैं ऐसा आई हर्ड। नहीं मैं पिछले 3 साल से अभी वर्किंग एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल साइड पे, सो आई थिंक मेरी चौथी फिल्म आ रही है, लास्ट वन शौकीन्स की थी, तो अब आ रहा है मैं बता सकती हूँ। अच्छा कपल आ रहे हैं, देयर इज अ मूवी कमिंग टिकट टू बॉलीवुड जिसमें मेरी कवाली है, तो हार्ड कोर की स्टाइल की कवाली, एंड देयर इज अ फ्यू मोर स्टफ थिंग्स आई एम कमिंग आई हैव डन अ ट्रैक विद शादली, सो वो भी आ रही है। सो आई थिंक 2017 एकदम अच्छा साल होने वाला है, स्पेशली सबके लिए, आई थिंक एंटरटेनमेंट में सबके लिए अच्छा साल होने वाला, बिकॉज क्योंकि अब इंटरनेट आया है, सब क्लूड अप हो गए हैं, सबको सब कुछ अब पता है, सब कुछ अवेलेबल है, तो अब रियल टैलेंट जो है ना और वो और निकलेगा, यू नो विद द पीपल विद द रियल स्किल्स। माय कलीग वांट्स टू आस्क, इसके अलावा आप सिंगल, आपका रिसेंटली एक सिंगल आया था, शेरनी है जट्टी, उसके अलावा और कोई सिंगल हम एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर? ये मैंने एक्चुअली ये सिंगल लॉन्च करना था, बट किसी को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना था लेबल्स, बिकॉज वो कमर्शियल गाना नहीं है, सो वो अपना गर्ल पावर के लिए था। लेकिन ऐसा म्यूजिक भी निकालना बहुत जरूरी होता है, हमेशा ये नहीं होता कि कितने पैसे कमाएंगे। अब एक और पार्टी गाना आ रहा है एकदम नए स्टाइल का, सो वो भी साथ साथ करते हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए, जिन चीजों में हमें अंदर से खुद खुशी मिलती है, जिस चीजों के लिए हमने शुरू किया था हिप हॉप, जो ऑथेंटिक रियल हिप हॉप है, वो भी साथ साथ करना जरूरी होता है। कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे पेपॉन को? पेपॉन But I love his, I love all his stuff, like a name. The punk ki kya pare? Rap kar de koi. Main iske liye kuch old school special hona chahiye. I don't know, I can't think of it. My mind's gone blank. Upcoming film ka koi matlab hame bata de, jo aapne Mr. Hero, Mr. India. Jo bhi compose जो आपने कोई कंपोज किया अभी कोई फिल्म के लिए, एंड वी वुड लाइक टू गिव अ हाईलाइट ऑफ इट,
I can't sing it for you, lekin it's coming. मैं अभी ज़्यादा बता नहीं सकती, नहीं तो इसमें अलाउड है ना, पहले हम बता नहीं सकते.